भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों में से अधिकतम सवाल आपको पूछा जाता है। अगर प्रारंभिक परीक्षा को हम लोग देखते हैं तो सामान्यतः IAS का एग्ज़ाम हो या PCS का एग्ज़ाम, 20 सवाल से 25 के बीच में पूछे जाते हैं। और अगर IAS या PCS वर्तमान में मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो मुख्य परीक्षा में सेकंड पेपर में भारतीय संविधान, राज व्यवस्था, गवर्नेंस तथा न्याय का विषय रखा गया है। जबकि थर्ड पेपर जो एथिक्स के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं, उसमें लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र को मिला करके बनाया गया है। इसलिए स्वाभाविक बात है कि भारतीय संविधान और राज व्यवस्था का यह क्लास हम लोगों का सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में चाहे प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो, आपको संपूर्ण भारतीय संविधान, राज व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और विदेश नीति का अध्ययन करना इसमें होता है और उस पर आधारित सवाल आपको पूछे जाते हैं। हम लोग अपने इस क्लास के अंतर्गत भारतीय संविधान, राज व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विस्तृत अध्ययन करेंगे और विस्तृत अध्ययन के साथ साथ विगत वर्षों में आए हुए सवालों का प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपके अंदर आत्मविश्वास जग सके। हम लोग इसी संदर्भ में आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं और आप इसको पढ़ने का प्रयास करिए, जो भारतीय संविधान एवं राज व्यवस्था का पाठ्यक्रम आपके लिए निर्धारित किया गया। तो ये संविधान एवं राज व्यवस्था का प्रारंभ किस प्रकार से होता है? अगर प्रारंभ की बात करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि जिस प्रकार से ज्ञान विज्ञान के प्रत्येक विषय का प्रारंभ यूनान से हुआ, संविधान और राज व्यवस्था का जिक्र भी वहीं से प्राप्त होता है। सुकरात के राजनीतिक दर्शन में, प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में और अरस्तु के द्वारा तो इसका क्रमबद्ध विवेचन कर दिया गया कि राज व्यवस्था का मॉडल और आधार किस प्रकार से होगा। संविधान और राज व्यवस्था को पढ़ने से पहले हम लोगों को यह समझ लेना है कि राज व्यवस्था एक विस्तृत अवधारणा है और इस अवधारणा के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं और राज्य का, राज्य के साथ सरकार का, राज्य और सरकार के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए संविधान का, संवैधानिक विधि का, और इसके साथ साथ इस राज व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक एवं परिस्थिति का भी हम लोगों को अध्ययन इसमें करना होता है। राज व्यवस्था एक व्यापक अवधारणा है जिसमें सरकार के तीनों अंगों, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इस बात का अध्ययन करते हैं कि विधायिका किस प्रकार से कानून का निर्माण करती है। कानून के निर्माण में राजनीतिक दल, दबाव समूह, जनमत की भूमिका क्या रहती है? किस प्रकार से आप विधायिका के द्वारा कानून का निर्माण करते समय उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है कार्यपालिका के माध्यम से या जनता के माध्यम से या आंदोलन के माध्यम से या दबाव समूह के माध्यम से, संपूर्ण व्यवस्था का चित्रण जिसके अंतर्गत किया गया उसको राज व्यवस्था कहते हैं। राज्य और सरकार दोनों एक दूसरे के साथ प्रयुक्त होते हैं, बट दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। राज अमूर्त अवधारणा है, सरकार उसका अमूर्त रूप है। इसका मतलब है राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर मोटे तौर पर राजनीति शास्त्र के दृष्टिकोण से राज्य की बात करें तो राज्य के कुछ निर्माणक तत्व होते हैं और इन निर्माणक तत्वों को भी समझना
आवश्यक होता है, जनसंख्या है, दूसरा इसमें निश्चित भूभाग होता है, निश्चित भूभाग होता है, किसी भी राज्य के लिए पर्याप्त जनसंख्या का होना आवश्यक है, कम हो या अधिक हो यह मुद्दा नहीं है, निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है, इसका अर्थ है राज्य स्थायी होगा, अगर निश्चित भूभाग नहीं होगा तो राज्य के स्थायित्व के ऊपर असर पड़ता है, और तीसरा महत्वपूर्ण इसका तत्व है सरकार, और चौथा इसका महत्वपूर्ण तत्व है सॉवरेंटी या संप्रभुता। आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्य का निर्माणक तत्व संप्रभुता कहलाता है, क्योंकि राज्य के निर्माण का आप पूरा कॉन्सेप्ट तभी पूरा होगा अगर राज्य का निर्माण करना है, जनसंख्या, भूभाग और सरकार तीनों के होने पर भी राज्य का निर्माण नहीं होगा जब तक कि संप्रभुता का अस्तित्व न हो, संप्रभुता के अवधारणा का विकास वहाँ पर न हुआ हो। इसलिए भारत में 15 अगस्त 1947 से पूर्व भारत को राज्य के रूप में परिकल्पित या अवधारणा के रूप में परिकल्पित करना उचित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भारत में उस समय जनसंख्या भी था, निश्चित भूभाग भी था और सरकार भी थी, लेकिन ब्रिटेन का नियंत्रण होने के कारण वहाँ पर भारत में संप्रभुता का विकास नहीं हुआ था, संप्रभुता भारत के पास नहीं थी, इसलिए राज्य के रूप में यह अस्तित्व में नहीं आ पाया था। तो राज्य के संपूर्ण मॉडल को क्रियान्वित करने और उसको लागू करने का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है। सरकार के मूलतः तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में दो विधायिका है भारत में, एक केंद्र की विधायिका और दूसरा राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं, जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है, जबकि राज्य की विधायिका को राज्य विधानमंडल कहा जाता है, जिसका निर्माण राज्यपाल, जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर होता है। तो दो स्तरों पर विधायिका का गठन है और दो ही स्तरों पर कार्यपालिका का भी गठन है, एक केंद्र की कार्यपालिका, दूसरी राज्य की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में भी नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति में, और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में। इसलिए राष्ट्रपति को राष्ट्र और संविधान का अध्यक्ष कहते हैं, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को शासन या सरकार का अध्यक्ष कहा जाता है। आपको इस पर कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सवाल UPSC में पूछा गया है कि शासन का अध्यक्ष कौन है, या केंद्र के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है, या संविधान का प्रमुख कौन होता है। तो आपको बताना है कि संविधान और राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन शासन और सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। भारत में न्यायपालिका का गठन एकहरी न्यायपालिका के रूप में किया गया। वैसे तो संघात्मक संविधान के अंतर्गत दोहरी न्यायपालिका का गठन किया जाता है, लेकिन भारत में न्यायिक एकता को बनाए रखने और देश की एकता अखंडता पर बल देने के उद्देश्य से एकहरी न्यायपालिका का गठन है, जिसको सीढ़ीनुमा न्यायपालिका कहते हैं, जिसमें सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय, उसके बाद उच्च न्यायालय और सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय। खैर, इन सब का अध्ययन करने के साथ साथ राजनीतिक दल का गठन, राजनीतिक दल को मान्यता, राजनीतिक दल की भूमिका, दबाव समूह का राजनीतिक दल के साथ किस प्रकार से कार्य करना, सबको मिलाकर सामाजिक, आर्थिक इत्यादि परिस्थितियों का राज व्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ता है,
इन सब का अध्ययन करना ही राज व्यवस्था कहलाता है। लेकिन इस राज व्यवस्था का संचालन होगा कैसे? अगर राज के पास इतनी शक्ति है और संप्रभुता की शक्ति जहाँ राज को निरंकुश बना देती है, तब अनिवार्य है कि इस राज के निरंकुशता को रोकने का भी प्रयास किया जाए। आ इस रोकने के प्रयास को ही संविधानवाद कहा जाता है। संविधानवाद का अर्थ है संविधान सम्मत विचार दर्शन को पर आधारित व्यवस्था को लागू कर देना। इसको संविधानवाद कहा गया। चाहे यूनान में हो, चाहे फ्रांस में हो, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, इसकी बातें की गई। हम लोग संविधानवाद के चैप्टर के अंतर्गत इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। बट यहाँ पर यह बात मालूम होना चाहिए कि राज्य और सरकार के अंगों का वर्णन करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है कि सरकार के गतिविधि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित करना। नियंत्रण स्थापित करने के लिए ही संसार में संविधान की अवधारणा का, इसे नियंत्रण को स्थापित करने के लिए संविधान के अवधारणा का संसार में विकास हुआ। चाहे यह विकास लिखित रूप में हुआ हो, चाहे यह लिखित रूप में हुआ हो या अलिखित रूप में हुआ हो, यह नियमों, कानूनों और अधिनियमों का, नैतिक मान्यताओं का या मर्यादाओं के रूप में अनेक अलग अलग काल में इसको हम लोग देखते हैं। इसलिए संविधान की अवधारणा समाज और राष्ट्र में अराजकता को खत्म करने के उद्देश्य से हुआ। आपको आएगा कि आज संविधान की अवधारणा का विकास क्यों हुआ, तो आज समाज एवं राष्ट्र में, समाज एवं राष्ट्र में व्याप्त अव्यवस्था एवं अराजकता को, अव्यवस्था एवं अराजकता को समाप्त करने के उद्देश्य से हुआ है। इसलिए संविधान के द्वारा सरकार और राज्य को जहाँ शक्ति प्रदान की गई, वहीं पर उसकी शक्तियों के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित किया गया। देखिए, ये तो बात आपने समझा कि संविधान और राष्ट्र व्यवस्था, बट आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर संविधान है क्या? राष्ट्र व्यवस्था का हमें उम्मीद है कि आपने इसका अनुशीलन कर लिया होगा। आपको मालूम भी हो गया होगा कि राष्ट्र व्यवस्था व्यापक अवधारणा है जिसका केंद्रीय विषय राज्य होता है। राज्य के गठन, सरकार के गठन, सरकार के अंग, उन अंगों की गतिविधियाँ, उनकी शक्तियाँ, उनके ऊपर नियंत्रण, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और कार्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक, सब को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। बट संविधान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान के द्वारा आपने एक बात पढ़ा कि संविधान वह अवधारणा है जिसके द्वारा राज्य और सरकार को निरंकुश होने से रोक दिया जाता है। इसलिए आज जब समाज में अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई, तब आवश्यक था कि इस अराजकता और अव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण को स्थापित कैसे किया जाए। तो यह बात मन में स्वाभाविक रूप में जन्म लिया कि किसी न किसी नीतिगत नियम, नैतिक मर्यादा का नियंत्रण होना आवश्यक है। इसे नियंत्रण को स्थापित करने के लिए एक दस्तावेजी प्रारूप तैयार किया गया। इसी दस्तावेजी प्रारूप को हम लोग संविधान कहते हैं। संविधान का सामान्य अर्थ अगर आप देखें तो सय और विधान कहलाता है, जिसका अर्थ होता है सम्यक रूप में विधि या सर्वोच्च रूप में विधि, विधि या कानून का सर्वोत्कृष्ट मॉडल, और एक ऐसा मॉडल जो कि राज्य और सरकार को निरंकुश होने से रोक दे। संविधान के इस ही महत्व के ऊपर प्रकाश डालते हुए एक टिप्पणीकार हैं,
कानून के विशेषज्ञ हैं। जेलिनक ने कहा कि जिस देश में संविधान नहीं होता है, कहा कि जिस देश में संविधान नहीं होगा वहाँ पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी वहाँ पर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आपको सवाल के रूप में पूछा गया और यह कथन है इसका जेलिनक के द्वारा बतलाया गया कि जहाँ संविधान नहीं होगा वहाँ पर अराजकतापूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब हमको देखना है कि संविधान का सामान्य अर्थ क्या है, आखिर इस संविधान को हम लोग किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ना अगर बात करें तो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है, यह कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी रूपांतरण है और यह लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से बना और इसका अर्थ होता है जिसका अर्थ है दस्तावेज या प्रलेख। लेकिन यह दस्तावेज या प्रलेख किसी व्यक्ति या संस्था का न होकर यह दस्तावेज या प्रलेख सरकार और राज्य के लिए होता है, सरकार और राज्य के लिए। इसीलिए इस संविधान को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर डायसी के द्वारा कहा गया कि संविधान एक ढांचा होता है, यह एक प्रारूप है जिसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का निर्धारण किया जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी संविधान को परिभाषित करते हुए कहा कि राजनीतिक व्यवस्था और सरकार के तीनों अंगों का सृजन करना विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का सृजन करना तथा उसे शक्ति प्रदान करना और उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करना ही क्या कहलाता है, यह संविधान कहलाता है। वैसे डायसी और अंबेडकर तथा कुछ अनेक विचारकों ने संविधान को परिभाषित करने का काम किया, लेकिन अगर यह सवाल उठता है कि संविधान का प्रयोग सबसे पहले किस चिंतक के द्वारा किया गया, संविधान का प्रयोग सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा किया गया। यद्यपि अरस्तु के द्वारा संविधान का प्रयोग करते हुए संविधान राज्य और सरकार का एक ही अर्थ में प्रयोग कर डाला, शायद अरस्तु की यह सबसे बड़ी भूल के रूप में भी वर्तमान में देखा जाता है, क्योंकि तीनों अलग अलग हैं। बट संविधान की सर्वप्रथम परिभाषा अरस्तु के द्वारा दी गई। अरस्तु के द्वारा संविधान को परिभाषित करते हुए कहा गया कि संविधान वास्तव में पद क्रम को निर्धारित करने की व्यवस्था है, विशेष करके सर्वोच्च पद। अर्थात संविधान के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि कौन सा पद किसको प्रदान किया जाए,
योग्यता अनुसार व्यक्ति को राज्य के द्वारा पद प्रदान करने की व्यवस्था को ही हम लोग संविधान कहते हैं। जीवन के क्रम के रूप में भी अरस्तु के द्वारा संविधान को परिभाषित किया गया। इस प्रकार से संविधान की यह अवधारणा हम लोग देखते हैं। लेकिन आपको आएगा आधुनिक काल में संविधान की अवधारणा का जन्म कब हुआ था? 18वीं सदी में हुआ। और यह जन्म कहाँ हुआ? यह जन्म अमेरिका में हुआ था, क्योंकि सर्वप्रथम लिखित संविधान का उदय भी अमेरिका में होता है। इसलिए आधुनिक काल में संविधान की अवधारणा का विकास होता है कब? 18वीं सदी में और अमेरिका के अंतर्गत। देखिए, ये बात तो ठीक है। अब आपको यहाँ पर यह समझना है कि आखिर अनेक बार इसका प्रयोग होने लगता है कि संवैधानिक विधि क्या है। संविधान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन नियमों और कानूनों का निर्माण किया जाता है उनको संवैधानिक विधि कहते हैं। संविधान के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जिन नियमों एवं कानूनों का निर्माण किया जाता है उसे संवैधानिक विधि कहा जाता है। आप दूसरा मन में आपके एक सवाल उठता होगा, अगर यह संवैधानिक विधि है तो फिर संवैधानिक सरकार किसको कहते हैं? संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का अर्थ है सीमित सरकार, जिसमें विधि का शासन स्थापित किया गया हो। इसीलिए संविधान को कहा गया कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। कहा गया कि यह एक सर्वोच्च विधि भी है, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका क्योंकि विधायिका कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का इसके द्वारा गठन किया गया है और इनकी शक्तियों को स्पष्ट रूप में बतलाया गया और उसके ऊपर नियंत्रण भी स्थापित किया गया है। कहा गया कि संविधान में नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्य का भी उल्लेख प्राप्त होता है ना। संविधान को आपको आएगा देश का सर्वोच्च कानून कौन है? न्यायपालिका का निर्णय है या राष्ट्रपति का आदेश या संविधान या जनता का मत? तो क्या लगाएंगे? इसका सर्वोच्च कानून किसको कहते हैं? संविधान को। इसीलिए
एक सवाल आता है कि भारत में किसकी सर्वोच्चता है? भारत में संविधान सर्वोच्च है, परंतु अंतिम शक्ति जनता में अंतिम शक्ति जनता में निहित है। तो ये बातें हम लोगों के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। नागरिकों के अधिकारों का इसमें उल्लेख किया गया है, सामान्यकालीन प्रावधान भी किए गए हैं और आपातकालीन प्रावधानों का भी उल्लेख यहाँ पर प्राप्त होता है। इसके साथ साथ अगर एक बात को हम लोग और समझ लें तो संविधान में अध्ययन करने में सहायता प्राप्त होगी, और वह है कि किसी भी संविधान को हम अच्छा संविधान कैसे कह सकते हैं। संविधान के अच्छा या आदर्श होने का मानदंड क्या होता है? आदर्श होने का मानदंड क्या है? क्या ऐसे मानदंड को अपनाना आवश्यक होता है? तो पहला है कि संविधान को अच्छा तब हम कहेंगे, आदर्श तब कहेंगे, जबकि उसमें क्लैरिटी हो, स्पष्टता। दूसरा, संविधान अच्छा तब होगा जबकि वह ब्रीफ हो, संक्षिप्त हो। अमेरिका का संविधान इस कैटेगरी में आता है, लेकिन भारत का संविधान इस कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि भारत का संविधान संसार का विशालतम संविधान है, इसलिए यह जटिल भी हो गया है, क्लियर भी नहीं है। इसीलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तीसरा, अच्छे संविधान का लक्षण है फ्लेक्सिबिलिटी का पाया जाना, लोचशीलता। लोचशीलता माने बदलते हुए परिस्थिति के अनुसार यदि उसमें परिवर्तन किया जा सकता है तो उसे आदर्श और अच्छा संविधान कहते हैं, अगर ऐसा न हो पाए तो उसको अच्छा संविधान नहीं कहते। अगला कहा कि उसमें नागरिक के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसको क्या कहते हैं कि यह आदर्श और अच्छा संविधान है। ये तो सामान्य बातें थीं। और इसके बाद हम लोगों को संविधान के और राष्ट्र व्यवस्था के विषय पर अन्य टॉपिक का भी अध्ययन करना है। हमारा संविधान और राष्ट्र व्यवस्था का ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर उसमें आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए किसी और टॉपिक पर हम लोग फिर से बात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।